मुद्दे पर सहमति बन पाई है सर? देखिए, आज हमारे इस दूसरे कार्यकाल की हाई पावर परचेज कमेटी की पहली मीटिंग थी और इसमें चूँकि बहुत समय से चीज़ों की खरीद नहीं हुई थी पिछले यानी चुनाव आदि के कारण से, आज 37 आइटम्स एजेंडे पर थी जिसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कुछ आइटम्स हैं, हमारे पावर डिपार्टमेंट की आइटम्स हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आइटम्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की आइटम्स, ऐसे अलग अलग विभागों की आइटम्स थी। दो तीन को छोड़ करके प्राय सबकी जो नेगोशिएशन करके हमने सहमति करके और सारी प्रोसेस कर ली है और बहुत जल्दी उनके ऑर्डर्स हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो बसें आदि या जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल पुलिस डिपार्टमेंट के खरीद रहे थे, वो चूँकि BS4 जो व्हीकल्स हैं वो अभी जितनी आवश्यकता है उतने हमने खरीद लिए हैं। 31 मार्च तक BS4 की जो स्टैंडर्ड है वो चलेगा, उसके बाद फिर BS6 का स्टैंडर्ड शुरू होगा, इसलिए उतनी ही आइटम खरीदी गई हैं। बाद में नई टेक्नोलॉजी के आइटम उसके बाद खरीदी जाएंगी। बसें हमारी बहुत कम हो गई हैं इसलिए कुछ बसों को अब खरीदा गया, कुछ बाद में खरीदेंगे। बढ़त का तो मुझे कुछ पता है, जो एक मिक्स सा रिज़ल्ट था, क्या आए हैं मुझे मालूम नहीं है। तो जो भी कुछ वहाँ का मैंडेट जनता ने दिया है, निश्चित रूप से लोकतंत्र में उसको स्वीकार करना यही एक समय की आवश्यकता होती है, और जो भी वहाँ का रिजल्ट आया होगा उसको पार्टी स्वीकार करेगी। सीएम साहब, देश भर में जो अभी जिस तरीके से जो नागरिक संशोधन जो बिल के बाद जो कांग्रेस जिस तरीके से BJP को घेर रही है, जगह जगह पर उनके बड़े नेता जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के नेता आए थे, और ये पूरे देश भर में इस तरीके से कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोला है। देखिए, कैसे देखते हैं? किसी प्रकार का मोर्चा खोलने का विषय नहीं है। कुल मिलाकर देश की जो एक भविष्य को लेकर के या एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिन बातों को लेकर के एक सहमति लगातार बनाते चले आ रहे हैं, पार्लियामेंट में भी वो बिल पारित हुआ है और इससे पहले भी, अगर मैं कहूँ कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी उस विषय को इंगित कर चुके हैं, और हमने भी अपना जो मैनिफेस्टो था, संकल्प पत्र था, उसके अंदर भी ये लिखा था कि जिस प्रकार से माइनॉरिटीज़ को भारतवर्ष के अंदर हम एक सम्मान देते हैं, माइनॉरिटीज़ का पूरा एक पूरे अधिकार होते हैं, संविधान सम्मत सब बातें होती हैं, यही माइनॉरिटीज़ जब दूसरे देशों में होती हैं, खास करके हमारे आसपास के पड़ोस देशों में, हमारी अपेक्षा है कि इसी प्रकार सम्मान उनको वहाँ मिलना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है या बांग्लादेश है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को सम्मान पूरा मिलता नहीं है, जिसके कारण से उनको वहाँ से भागना पड़ता है, और बहुत से ऐसे लोग जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ के रूप में अपने देश में यहाँ आए हुए हैं, उनकी जो स्थिति थी उसको ध्यान में रखते हुए आखिर इस देश की नागरिकता उनको जल्दी मिले, केवल इतना ही किया है कि उनकी नागरिकता का समय 5 साल कम किया है, वरना 12 साल के बाद तो हर किसी को नागरिकता मिलती ही है, उनको 5 साल पहले जो आए हैं उनको सबको नागरिकता मिल सकती है, इतना ही विषय किया है। और मैं समझता हूँ जो विरोध कर रहे हैं उनका केवल एक राजनीतिक जिसको कारण है वही भाई लोगों को बहकाया जाए और लोगों को अनाप शनाप तरीके से बघलाया जाए और राजनीतिक एक माहौल यानी सरकार के विरोध करने के लिए जो सारी बातें कर रहे हैं ये बहुत एक निंदनीय है। सब लोगों को इसका अध्ययन करना चाहिए, जो CAA का जो एक्ट बना है उसका अध्ययन करना चाहिए, NRC का भी अध्ययन करना चाहिए। NRC का एक्ट तो बहुत पहले पास हो चुका है, कोई आज का नहीं है, इसलिए इन सब बातों की ओर जो हमारा समाज खास करके जिनमें अनपढ़ता है, अज्ञानता है, उनको बहका करके जो आंदोलन करने वाले लोगों से पूछा जाता है कि ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, उनको ही पता नहीं होता कि आंदोलन वो क्यों कर रहे हैं, बहकाया जाता है कि इस देश में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनको निकाला जाएगा, यानी कुल मिला करके लोगों की अज्ञानता का लाभ उठा करके उनको बरगलाना और इस प्रकार के मूवमेंट खड़ा करना, ये कांग्रेस की एक फितरत बनी हुई है। कांग्रेस बांटने का काम कर रही है, नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के इस घटनाक्रम को देखते हुए मैं उसकी निंदा करता हूँ। होता है उस नागरिक के लिए सब चीज़ों की व्यवस्था की जाती है, करेंगे भी सही, आखिर पहले भी जो समाज यहाँ है उसमें जो जिसको आवश्यकता है, जो पात्र लोग हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएँ देश करता ही है, सरकार करती है, तो ऐसे सब लोगों की व्यवस्थाएँ वो की जाएगी। हम तो 1947 के अंदर देश का जो विभाजन हुआ उसको भुगते बैठे हैं, उस समय लाखों लोग इधर से उधर जो गए हैं, यहाँ पर जो लोग आए उनकी सबकी व्यवस्थाएं हुई, वो अपने पैरों पर खड़े हुए, उनकी व्यवस्थाएं बनाई गई। तो इस प्रकार से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसको जो इस देश के यानी मुख्य समाज में आकर के जो रहने लगता है या उसको नागरिकता मिलती है, उसकी सारी चिंता करना हमारा काम है। संगठनात्मक
अभी संगठनात्मक तौर पर पार्टी के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और वो ये महीना अगला महीना चलेगी। ये सारा कंप्लीट होने के बाद ही नई रचनाएं जो पार्टी की बन जाएंगी, उसके बाद मुझे भी पूरे प्रदेश में भी जाना है। लगातार मैं बीच बीच में कुछ स्थानों पर जा भी रहा हूँ। मेरा 29 तारीख का करनाल का अपना कार्यक्रम है, उस करनाल के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। उसके बाद विभिन्न स्थानों के ऊपर कई प्रकार के कार्यक्रम बनेंगे, लेकिन जनवरी 15 के बाद बनेंगे।